वहाँ उस गांव के उस ग्राम पंचायत के जो शहीद हुए हैं, जो बोले चाहे अर्धसैनिक बल हो, बोले चाहे आर्मी के हो, बोले चाहे वो पुलिस के हो, बोले चाहे फ्रीडम फाइटर हो, उनके वहाँ नाम उस पर एक शिला बनाई जाएगी 5x3 का, उस पर उनका नाम लिखा जाएगा एक तरफ बीच में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का एक मैसेज होगा, दूसरी तरफ आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक लोगो लगाया जाएगा। उस लोकल में गाँव में वहाँ पर एक उस पर पत्थर पर उसको उकेर करके हम उसका एक लोगो लगाएंगे वहाँ पर, उनको नमन करेंगे। जहाँ पर जिस पट्टी का हर गाँव ग्राम पंचायत में लगेगी, जहाँ शहीद नहीं है वहाँ भी पट्टी का लगेगी, वहाँ शहीद के नाम के स्थान पर हम एक कॉमन सेंटेंस लिखेंगे कि उन वीर शहीदों को हम सब सब नमन करते हैं। एक हमारे पास प्रकार का एक सेंटेंस लिखा आया है वहाँ से गवर्नमेंट से, वो सेंटेंस हम सब पर लिखवा देंगे, और जहाँ शहीद है वहाँ पर उस सेंटेंस की जगह शहीद का नाम आ जाएगा। हमारे पास अभी तक 41 शहीदों की लिस्ट हमें प्राप्त हुई, जो सैनिक कल्याण अधिकारी से और पुलिस से हमें प्राप्त हुए, तो विभिन्न गाँवों के, उन गाँवों में हम शहीदों के नाम लिखे। जहाँ पर गाँव में शहीद नहीं है वहाँ पर एक पट्टिका, वहाँ पट्टिका सब जगह हर ग्राम पंचायत में लगाई जाए। मेरी माटी मेरा देश एक शहीदों को नमन वंदन करने का एक प्रोग्राम है, जो राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है। ये अपने यहाँ पर 3 चरणों में होगा, जिसमें 9 अगस्त को जो भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है उसमें ग्राम स्तर पर होगा, और 11 अगस्त को अपने पास में ग्राम पंचायत लेवल पर होगा, 15 अगस्त को अपने पास में ब्लॉक लेवल पर होगा, जिला स्तर का प्रोग्राम होगा। उसके तहत हम 5 प्रकार की गतिविधियाँ कराएंगे। पहली गतिविधि होगी शिला फलकम, मतलब वहाँ एक जो वहाँ उस गाँव के उस ग्राम पंचायत के जो शहीद हुए हैं, जो बोले चाहे अर्धसैनिक बल हो, बोले चाहे आर्मी के हो, बोले चाहे वो पुलिस के हो, बोले चाहे फ्रीडम फाइटर हो, उनके वहाँ नाम उस पर एक शिला बनाई जाएगी 5x3 का, उस पर उनका नाम लिखा जाएगा एक तरफ बीच में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का एक मैसेज होगा, दूसरी तरफ आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक लोगो लगाया जाएगा। उस लोकल में गाँव में वहाँ पर एक उस पर पत्थर पर उसको उकेर करके हम उसका एक लोगो लगाएंगे वहाँ पर, उनको नमन करेंगे। उसके साथ ही वहाँ पर हमें प्रत्येक गाँव में ओबली ग्राम पंचायत में हम एक 75 पौधे एक वाटिका बनाएंगे, जिसको ना अमृत वाटिका नाम दिया गया, उन शहीदों की याद में वो वाटिका का डेवलप किया जाएगा, वहाँ पौधे लगाए जाएंगे मतलब, और उस पर वहाँ पर गांव के स्कूल में लोगों को इकट्ठा करके, और वो सब लोग स्वेच्छा से वहाँ आएंगे, हमारे स्वयं सहायता समूह भी रहेंगे, सरकारी लोग भी रहेंगे, जनप्रतिनिधि को बुलाएंगे, और वहाँ की लोकल मिट्टी को लेकर हाथ में एक शपथ ली जाएगी, जिसको पंच प्राण शपथ नाम दिया गया। तत्पश्चात वहाँ राष्ट्रगान और ध्वजारोहण होगा, उस मिट्टी को बाद में कलश में डाल करके प्रत्येक गाँव से पंचायत पर, पंचायत से ब्लॉक पर, ब्लॉक से जिले पर, और फिर यहाँ से हर एक ब्लॉक की जो मिट्टी का कलश होगा उसको दिल्ली भिजवाया जाए। ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम। हाँ सर, बाड़मेर में कितने शहीद है, कितनी पट्टिकाएँ लगेगी? जहाँ पर जिस पट्टिकाएँ हर गांव ग्राम पंचायत में लगेगी, जहाँ शहीद नहीं है वहाँ भी पट्टिका लगेगी, वहाँ शहीद के नाम के स्थान पर हम एक कॉमन सेंटेंस लिखेंगे कि उन वीर शहीदों को हम सब सब नमन करते हैं। एक हमारे पास प्रकार का एक सेंटेंस लिखा आया है वहाँ से गवर्नमेंट से, वो सेंटेंस हम सब पर लिखवा देंगे, और जहाँ शहीद है वहाँ पर उस सेंटेंस की जगह शहीद का नाम आ जाएगा। हमारे पास अभी तक 41 शहीदों की लिस्ट हमें प्राप्त हुई, जो सैनिक कल्याण अधिकारी से और पुलिस से हमें प्राप्त हुए, तो विभिन्न गाँवों के, उन गाँवों में हम शहीदों के नाम लिखे। जहाँ पर गाँव में शहीद नहीं है वहाँ पर एक पट्टिका, वहाँ पट्टिका सब जगह हर ग्राम पंचायत में लगाई जाए। सर, ये कितना अच्छा हो जाएगा कि हर ग्राम में 75 पौधों की वाटिका लग जाएगी, पर्यावरण संरक्षण को भी अच्छा? बहुत अच्छी बात है, हर एक पंचायत में उन वीर शहीदों को नमन भी होगा, उनके अपने उनके जो देशभक्ति के, उन्होंने अपने वो देश के जितना योगदान दिया, बलिदान दिया, उनको याद करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, और एक वाटिका बनेगी पर्यावरण के लिए। पर्यावरण के पौधे हम वैसे भी लगा रहे हैं, तो ये वो हमारे लिए और भी अच्छा अवसर होगा कि उसको हम इसमें तब्दील कर दें। हर एक आदमी देशभक्ति की भावना जागृत हो। सर, आमजन से क्या अपील रहेगी इस कार्यक्रम में? आमजन से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रत्येक 9 अगस्त को प्रत्येक गाँव में, 11 अगस्त को पंचायत पर, और 15 अगस्त को सभी ब्लॉक पर, और यहाँ जिले स्तर पर 15 को होगा, उस कार्यक्रम में अधिक से अधिक आप लोग पधारें, वहाँ शपथ लें इस बात की कि उन वीर शहीदों को हम नमन करते हैं, सब लोग वहाँ तिरंगे को सलाम करें, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं।